सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं जयंत पटनायक, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम तबला के एक बहुत ही खास लेसन पे बात करेंगे, वो लेसन है जातियाँ। तबला में कुल 5 प्रकार की जातियाँ बजाई जाती हैं। इन 5 जातियों के नाम है, सबसे पहली है तिस्र जाति जो 3 की जाति है, इसमें एक मात्रा में 3 बोल आते हैं। दूसरी है चतस्त्र जाति या 4 की जाति, इसमें एक मात्रा में 4 बोल आते हैं। और उसके बाद है खंड जाति जो 5 की जाति है, उसमें एक मात्रा के अंदर 5 बोल आते हैं, खंड जाति। उसके बाद है मिश्र जाति, मिश्र जाति 7 मात्रा की जाति है, इसमें एक मात्रा के अंदर 7 बोल आते हैं। उसके बाद 5वीं जाति है संकीर्ण जाति, संकीर्ण जाति में एक मात्रा के नीचे 9 बोल आते हैं। तो आइए इन 5ों जातियों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहली जाति है तिस्र जाति, ये जाति 3 की जाति है, तो इस जाति में जो भी बोल आएंगे वो 3-3 के ग्रुप में बजेंगे। तो आइए बोल देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार जो 3-3 के बोल हैं वो तिस्र जाति में गिने जाते हैं। तो ये थी तिस्र जाति। इसके बाद है चतस्त्र जाति जो कि 4-4 के बोलों की जाति है। चतस्त्र जाति के बोल देखते हैं, तो इस मात्राओं में जो बोल बजेंगे वो चतस्त्र जाति के नीचे गिने जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
बोलों की जाती है। इसके बोलों को देखते हैं। 1 2 3 4 जो पांच पांच का समूह होगा, तक ताकिट 1 2 3 4 5 तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट कर के तक ताकिट तिन के तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट तक ताकिट तो जो भी ऐसे पांच पांच के समूह के बोल हैं वो खंड जाति में गिने जाते हैं। तो इसके बाद नंबर 4 पर आती है मिश्र जाति। अब 7 के बोलों का जो भी समूह होगा वो मिश्र जाति में आएगा। तो मान लीजिए 7 बोल हैं, ता की ट ताक ताक 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 बोल हो गए, ता की ट ताक ताक 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 बोल हैं। अब आइए देखते हैं मिश्र जाति में ये बोल कैसे बैठते हैं। जाति। इसके बाद पांचवी जाति है संकीर्ण जाति, जो कि 9 बोलों के समूह में बचती है। बोल हैं तक देम तक ताकी ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देम तक ताकी ट तो ये 9 बोलों का समूह है। अब इसको हम संकीर्ण जाति में कैसे बिठाएंगे। 1 2 3 4 तक देम तक ताकी ट तक देम तक ताकी ट तक
तो ये था आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन। जो भी रिदम प्ले करते हैं उन सभी को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरे जो भी भाई हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और आगे आप कौन सा लेसन जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा आगे मैं उन पे अपना लेसन बना सकूं। अब एक बार जल्दी से इन पांचों जातियों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहली जाति है तिस्र जाति, जो कि तीन की जाति है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 उसके बाद है चतस्त्र जाति, जो कि चार की जाति है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद है खंड जाति, जो कि पांच की जाति है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसके बाद है मिश्र जाति, जो कि सात की जाति है। इसके बोल है 1 2 3 4 5 6 7 इसके बाद है संकीर्ण जाति, जो कि नौ नौ के समूह की जाति है। उसके बोल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3